अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरह की एजुकेशनल और बुश नॉलेज की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर नीचे सब्सक्राइब का जो रेड कलर का आइकन है इसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब होने के बाद आप जो बेल का बटन है इसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आपका चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे एग्लोमीरेटर के बारे में। एग्लोमीरेटर है क्या चीज? ये एक जो हमारी पीपी होती है या जो हमारे जो पीपी के आपके जो बैग्स आते हैं जब वे बेकार हो जाते हैं तो उसको काट के रिसाइकिल करने के लिए हमें उसको उसका जो है एक दोबारा कटिंग करके दाना बनाना पड़ता है जिससे हम उसे रिसाइकिल कर सकें। ये उसी को काटने की मशीन है। अगर आपको याद हो हमने पिछली बार आपको एक दाना गर्म करने की मशीन के बारे में आपको बताया था। इसमें क्या खास बात है कि ये काटेगी भी और ये गर्म भी करेगी और आगे माल आपको बारीक करके पीस के इसमें केमिकल डाल के आपका एक साथ काम हो जाएगा। जो पीवीसी का होता है उसमें ग्राइंडर अलग होता है यानी कि काटने वाला अलग होता है और मिक्स करने वाला अलग होता है। देखिए जो हमारा पहला वाला था जो हमने दिखाया था आपको, देखिए इसमें मोटर की सेटिंग पीछे की तरफ से थी, ऊपर नीचे करके हम साइड से भी कर सकते थे आगे पीछे। और जो हमारा ये वाला जो ये बेल्ट से पुली का चलाने का सिस्टम वही था। और इसमें क्या था कि इसमें हमारे जो ब्लेड लगे हुए थे, दो ब्लेड लगे हुए थे डबल करके, जो सिर्फ मेटल को मिक्स करने यानी कि केमिकल को मिक्स करने के काम आते थे जिससे कि मेटल गर्म हो के हम अपना आगे दाना मशीन में यूज कर सकें और उसके बाद हम दाना बना सकें। तो हमने दाना मशीन भी आपको दी थी पिछली बार, उसकी कंटिन्यू वगैरह भी सब बताई थी। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका सिर्फ दाना गर्म होगा, जो केमिकल है वो गर्म होगा, फिर उसके बाद रिसाइकिल के लिए आप दाना मशीन में डालेंगे। लेकिन इससे पहले आपको अगर सॉलिड काटना है तो आपको ग्राइंडर लगाना जरूरी है। लेकिन जो मशीन हम आपको एग्लोमीरेटर बता रहे हैं वो उस मशीन में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इस वाली मशीन में क्या है, इस वाली मशीन में आपका मोटर चलाने का सिस्टम, आप यहां से साइड में से भी अगर आपके पास ये होजिंग वाली मोटर नहीं है तो आप साइड में भी लगा सकते हैं। जो फुट पैड माउंटिंग आती है मोटर आप उसको भी लगा सकते हैं, उससे भी सेटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके जो ये आपकी पुली लगी हुई है या आपका जो आपकी पुली बेल्ट के थ्रू इससे चल रही है वो भी सेम सिस्टम, आपको स्पेस स्पीड हाई रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। इसमें जो खास बात है वो हम आपको दिखाएंगे। ये गियर बॉक्स आपका लगा हुआ है अंदर जहां पे आपके बेयरिंग सेट हुए हैं और शाफ्ट सेट हुई है। इसमें जो ब्लेड है, इसमें जो सारा किस्सा है इसके ब्लेडों का है, मैं आपको एक एक करके चीज हम आपको दिखाएंगे जरूर। ये आपका मैंने कवर खोला पहले, आप देखिए इस कवर को आप न्यूमेटिक ऑपरेटेड भी बना सकते हैं पीछे एक सिलेंडर लगा के, और यहाँ से आप एक हिंज लगा सकते हैं। हमने जानबूझ के नहीं लगाया क्योंकि आप हो सकता है किसी भी तरह का यूज करें। मशीन के फंक्शन से मतलब होता है मशीन की बनावट क्या है वो अलग अलग हो सकती है सब तरह की मशीन। जैसे इसमें देखिए, इसमें आपके जो ब्लेड लगे हुए हैं बहुत महीन ब्लेड लगे हुए हैं जिनकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं, जो उसका एंगल है वो यहाँ से सेट करेंगे। ये जितना एंगल हमने सेट कर दिया, सपोज कीजिए एलन बोल्ट है, हम इसको जितना राउंड घुमाना चाहें उतना घुमा के अंदर से एंगल उसके ब्लेड का सेट कर देंगे, वो दिखाते हैं आपको। और जो हमने ये सिलेंडर लगा रखा है, एक केवल ये सिलेंडर है कि आपको कब आपका मेटेरियल गर्म होगा और उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। आपका ये ऊपर चला जाएगा तो उसके जाने से क्या होगा कि आपका अंदर का रास्ता खुल जाएगा और जो आपका केमिकल अंदर है, जो इसके अंदर केमिकल है वो मतलब जो आपने कटिंग यूज़ करी है वो सारी की सारी यहाँ से बाहर आ जाएगी। आप यहाँ से अगर बाहर निकाल के दोबारा दाना मशीन में डालने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर एक ब्लोड लगा के भी आप डायरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जो पूरा सिस्टम है इसका। और हमें हर काम आज हम तो आप मशीन के बारे में ही बताएंगे। तो देखिए ये वाला जो सिस्टम है इसमें ब्लेड लगे हुए होते हैं चक्री के ऊपर, ये आप ये समझ लिए अगर कोई हुक्का पीता है घर में तो उस तरह की ये चक्री है। इसमें ये ब्लेड हैं, इन पे एक तरफ नाइफ की तरह नाइफ समझिए आप, ये बोल्टों से टाइट है एलन बोल्ट से, और ये जो आपके साइड के जो ये वाले ब्लेड लगे हुए हैं ये फिक्स ब्लेड हैं, ये आपके एंगल पे सेट है। आप देख सकते हैं कि तिरछा ये थोड़ा सा ये टेपर में है, ये इसके साथ पड़के चलते हैं। कैसे, जब आप बैग ऊपर से डालेंगे तो बैग डालने के कारण बैग आपका आएगा अंदर, जो जो आपकी वेस्टेज है उसके, ये जब ये रहेगा घूमता हुआ, जब ये घूमेगा तो एक बार में जो अच्छी क्वालिटी के आपके जो एग्लोमीरेटर होते हैं उनमें एक बार में एक ही एक ब्लेड काम करना चाहिए। हमने ऊपर का वो जो इसका कवर था वो हमने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। देखिए अब आपका जैसे ये घूमेगा एक बार में, देखिए ये घूमने वाले हैं 6 ब्लेड, साइड में ब्लेड लगा रखे हैं आपने 5, ये जो फिक्स ब्लेड है, रोटेटिंग वाले हैं आपके 6,
एक बार में एक ब्लेड जब ये कटेगा, जिस समय ये इसके नीचे आके काटेगा, अब देखिए कोई सा ब्लेड इसके टच में नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही वो घूम आएगा तो ये ब्लेड काटेगा फिर से। जब ये काट चुका होगा तो ये वाला ब्लेड इस पर काटेगा। आप देखिए कोई सा भी ब्लेड एक साथ नहीं हटता। इसके हाई स्पीड होने के कारण ज्यादातर जो है लोग बाग तो लगा भी 1440 की मोटर भी लगा लेते हैं, कुछ 2800 की भी यूज करते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन होता है, अगर आपको फास्ट चाहिए तो आप 2800 आरपीएम की मोटर भी यूज कर सकते हैं। 1440 पे आपको कटिंग तो मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी, हिटिंग थोड़ी सी कम रह जाएगी, ज्यादा राउंड पे हिटिंग आपकी प्रॉपर रहेगी। जो आपका जो मेटेरियल मिक्स होना है जब काट लेंगे आप, तो उसमें उसके बाद जो है आपका जब कट जाएगा पूरा मेटेरियल, तो उसके बाद उस पर केमिकल डालने पड़ते हैं। देखिए पीवीसी के जो हार्ड के मेटेरियल होते हैं उसमें आपने पहले ग्राइंडिंग करके यूज करना, इसमें आपका कटेगा पहले, कटने के बाद या हाई स्पीड होने के बाद जब घूमेगा आपका, तो उसके बाद जो है घूमने के बाद जो है जो आपका कट्टा कटा, जो भी बैग आपकी वेस्टेज कटी, वो यहीं इकट्ठी होती चली जाएगी इसके साइड में। इसमें साइड में काफी गैप है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए हमने इसका जो कवर है वो पूरा पूरा गायब कर दिया। अब देखिए ये कैसे चलेगी, ये जो आपके ब्लेड है सारे के सारे, ये ब्लेड जो है आपके टेपर में सेट हुए हैं। ये देखिए आप, ये आपको जब भी ये ब्लेड सेट करने पड़ते हैं तो आप भार से सेट कर सकते हैं जितना एंगल आपको घुमाना है। ये ब्लेड कभी ना कभी तो आपके थोड़े से इनकी जो आपकी एजिज है वो थोड़ी डाउन होगी, तो उस समय इनको एजिज लगाकर थोड़ा सा आप सेट कर सकते हैं। ये जब घूमेगा तो ये वाला जो घूमेगा, जब भी कोई सा भी ये इनमें से ब्लेड घूमेगा तो ब्लेड के दोनों के बीच में गैप थोड़ा सा कम रहना चाहिए, जिससे कि जितना गैप आपका कम से कम रहेगा। आपने यहाँ पर गैप मान लिया एक आधा एमएम रखा है, तो उसके बाद जो है आपकी महीन कटिंग आनी शुरू हो जाएगी और जो मेटेरियल आपका है वो मेटेरियल सारा का सारा आपका इकट्ठा होता चला जाएगा। एक तरह ये जो जगह है आपकी, यहाँ पे मेटेरियल आपका इकट्ठा होता चला जाएगा, कुछ इसको ऊपर आएगा, लेकिन इसके अंदर ये घूमने से कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इस पर जो ये कवर लगा हुआ है इसे बोल्टों से मेंटेड है, तो ये बोल्ट को नहीं खोलेंगे और इसके ऊपर आपका मेटेरियल घूमता रहेगा। आप ये समझिए कि अगर ये एक बार में 20 किलो मेटेरियल इकट्ठा करता है इनका काट कर, तो उस समय तक आपका जो बैग आए, तो बैग तो आपके बहुत सारे आएंगे, लेकिन वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा कटने से पहले, लेकिन बाद में उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा कट कट के, जब वो एक तरह से आपकी कटिंग में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों इसका काम है काटना और आपका मेटेरियल हाथ के हाथ तैयार करना। ये पीपी के लिए जो बैग्स है उनके लिए मशीन है, इसको एग्लोमेरेटर कहते हैं। हमारे यहाँ पर जो हम अपनी इंडियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें कहते हैं बैग कटिंग मशीन। तो इस मशीन का हम ज़्यादातर यूज अपने बैगों की कटिंग करने में और जो छोटे मोटे पीवीसी के आइटम है हार्ड के थोड़े से, तो उनके मैं काटने में यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप इसके बारे में कुछ जानना और बाकी रह गया हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।